यहाँ पे तो एक अच्छे सुपर गुरु की जरूरत है, प्लीज भगवान मुझे एक अच्छा सुपर गुरु दे दो। तथास्तु। रगों में उबाल देखो, सर सर इन लोग के तो सबके पास सुपर मूव्स है, हम लोग के पास क्या है? डर मत बेटा, अपने पास भगवान का हाथ है। मुझे थोड़ी सी पानी पिला दो और मेरे सर को भी। थैंक यू भगवान। कैसा लगा आपको आकाश का परफॉर्मेंस? आकाश के बारे में बात करने से पहले मैं ऋषिकेश से बात करूंगी। ऋषि, वेलकम टू सुपर डांसर चैप्टर 2। थैंक यू मैम। आपकी कोरियोग्राफी में इतना तो पता चल गया है कि आप सस्टेन कर पाते हो विद इतने छोटे बच्चे के साथ जो 6 साल का है, उसकी समझदारी उतनी नहीं है, लेकिन आपकी कोरियोग्राफी बहुत क्लेवर रही इनके लिए। थैंक यू मैम। मुझे नज़र आता है पोटेंशियल एज अ कोरियोग्राफर फॉर सुपर डांसर चैप्टर 2 फॉर श्योर। थैंक यू मैम। आकाश। हाँ गीता मैम। आप कैसे करते हो यार, मैं शॉक में हूँ। आपकी उम्र के लिए आपकी समझदारी डांस की इतनी बड़ी है और आपका सेंस ऑफ रिदम कितना अच्छा है। मेरा फेवरेट पोर्शन रहेगा जब आपने आकाश को अपने कंधे पे उठाया और आप लोगों ने साथ में ततड़ ततड़, क्योंकि उसमें आकाश ने सीटियां भी पकड़ी और वो एंड का जो ओ माय गॉड, पहले मुझे ये बताइए कि ऋषि सर से आपने क्या सीखा? बहुत इंस्पिरेशन, उसके बाद अच्छे से डांस करना और ऋषि सर के हर एक मूव क्लींस होते हैं। Thank you, ma'am. Please welcome Dil Ka Sacha, God Ka Favorite Bacha, Patna Ka Akash Mitra with Super Guru Rishikesh. आइए दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं
बॉलीवुड स्ट्रीट में जहाँ पे हो रहा है भिखारी नंबर वन का कॉम्पिटिशन। तो पहले दावेदार है छोटू भाई। मुझ पे एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। और दूसरे दावेदार है बड़े मियां। हम जहाँ पे खड़े होते लाइव वही से शुरू होती है। खुश तो बहुत होगी तुम। सिर्फ कैसे कैसों पे अटके रहोगे? आगे भी तो कुछ कहूँ मियां। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान है मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ऊपर वाले जल्दी से इसे जो चाहिए दे दे, प्लेन दे दे, सोना चांदी गाड़ी मोटर बंगला घोड़ा गाड़ी सब कुछ दे दे। मैं तो कहता हूँ तुम ट्रेन मांगो, ट्रेन ट्रेन रेल गाड़ी, रेल गाड़ी रेल गाड़ी रेल गाड़ी रेल गाड़ी। साले का बड़ला की खराब है। कितना मांग रहा है मुंगी लाल? अपनी साइज के हिसाब से मांग रहा है क्या? कब से तेरी पक 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 सुन रहा हूँ, ये दे वो दे, ये दे वो दे, हमारा अगर हाथ दिखा तो लिफ्ट से निकाल कर शिप में बांध कर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि तुम हमें अभी जानते नहीं, तीसरे बादशाह हम हैं। ओके भाई ओके, मैंने मान लिया कि तीसरे बादशाह आप ही हो। क्या बोलते हो, भगवान के नाम पे एक लिफ्ट हो ही जाए? What a performance! नहीं बैठने वाली। ओहो परफॉर्मेंस में तो पहले सोनाक्षी आप ही से पूछना पड़ेगा वो कैसा लगे। जैसे है मुझे तो अच्छे ही लगते हैं। बट आकाश आप क्या चीज हो यार। हाँ, और पहले तो ऋषिकेश मैं ये कहना चाहती हूँ आपका कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे मैं सोची थी कि ये ऊपर बोर्ड पे वेलकम टू न्यूयॉर्क लिखा होना चाहिए था। क्योंकि हमारी फिल्म में मैं और दिलजीत भी ऐसे ही आम लोग हैं जो थोड़ी सी लिफ्ट चाहते हैं टू बॉलीवुड। तो मुझे हमारी पूरी फिल्म याद आ गई। बट व्हाट एन अमेजिंग एंटरटेनिंग एक्ट था ये, और बड़ा मजा आया। और आकाश यू आर सुपर्ब। थैंक यू मैम। आज तो साष्टांग दंडवत प्रणाम बनता है ना आपके लिए। मेरे लिए ये एक्ट सुपर से बहुत 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 ऊपर। बेटा तुम वाकई में भगवान के बच्चे हो। मत करो। आई लव यू बेबी। अच्छा बेबी, मैं अभी किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ। अपने इस भगवान के बच्चे का ध्यान रखना, देखना कि वो ज्यादा मस्ती ना करे, और उसको टाइम पे स्कूल जरूर पहुंचा देना। बाय बेबी। ओके बाय बेबी बाय। बेटा आकाश, आज स्पोर्ट्स डे में तुम्हें जीतना ही होगा, मेरा नाम रोशन कर रहे हैं तुम्हें। पापा आज स्पोर्ट्स डे नहीं, आज मेरी एग्जाम है। रे बा
पढ़ाई करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। समझे बेटा? पापा समझ तो गया, लेकिन कल मैथ्स का पेपर नहीं, इंग्लिश का पेपर है। चलो बेटा चलो, तुम्हारा स्कूल आ गया। पापा ये तो आपका ऑफिस है, मेरा स्कूल तो पीछे रह गया। बेबी आपने अपने भगवान के बच्चे को टाइम पे स्कूल तो पहुंचा दिया था ना, आज उसका एग्जाम था। हाँ बेबी पहुंचा दिया था टाइम से और पढ़ा भी दिया था, देखना फर्स्ट आएगा फर्स्ट। बापू का नाम खराब करने वाले ऐसे बापू तो मतलब बहुत ही हानिकारक है, वाइफ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। आकाश आपने बहुत अच्छा किया, आपके एक्सप्रेशंस बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, आप सही सही दिशा में जा रहे हैं। बस ऋषि जी आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक अलग सोच के साथ आई थिंक इस बच्चे को कोरियोग्राफ करना पड़ेगा। थैंक यू सुनीता मैम। आकाश पिछले हफ्ते से इस हफ्ते बहुत इम्प्रूवमेंट है, वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गीता मैम। एंड आकाश आपको होमवर्क करना पड़ेगा, जब आप गाना ऋषि सर आपको देते हैं ना, आपको वो लिप सिंक करना है। हाँ ये छोटी छोटी कमियाँ हैं, उनको आप पूरी करोगे तो आप कंप्लीट सुपर डांसर बनोगे, ठीक है? लेकिन आज का परफॉर्मेंस अच्छा था। थैंक यू गीता मैम। ऑल द बेस्ट। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देहरादून के नौरी थापा आकाश थापा और उनके सुपर गुरु विवेक और दिल का सच्चा गॉड का फेवरेट बच्चा पटना का आकाश मित्रा और उनके साथ है उनके सुपर गुरु ऋषिकेश। क्या बात है तू? राजस्थान की तपती धूप में खुद को तपाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच तो ये है घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है। से बड़ी मुझे बस दो कदम पे देखो जीत खड़ी, हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रबल और बेस का। लड़ता रहूंगा तब तक जब तक खून का आखिरी कतरा बाकी है, रखवाला हूं हिंदुस्तान का, कसम हमें भारत माँ की है।
रंग तीनों जान से प्यारे आ, रंग तीनों जान से प्यारे आ, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए, कैसे मैं छुपा तेरा जब तक मुझ में है जरा सी जान, मैं तेरी चुनरिया लहराए। वंदे मातरम, वंदे इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद पे हम जवान हैं। वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.